एवरीवन, आज हम बर्ड मास के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड मास जो है मैथ का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें बर्ड मास का एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो लगभग आता भी है, लेकिन अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि लोग सही से नहीं सॉल्व करते हैं तो सवाल गलत हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो ये लिखा गया बर्ड मास BODMAS, इसी अक्षर में ही इसके आंसर छिपे होंगे। तो इस तरह से इसी के आधार पे हम इसके रूल को फॉलो करेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसे, BODMAS, बी से हो जाएगा ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। अब हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं। जैसे बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट चार तरह के होंगे। पहला होता है बार ब्रैकेट, जब भी हम सवाल सॉल्व करेंगे पहले हम बार ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, ये जो बना हुआ है इसको हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद उससे बड़ा होता है कर्ली ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट के बाद हम कर्ली ब्रैकेट को तोड़ते हैं और फिर उसके बाद हम बिग ब्रैकेट को तोड़ते हैं। इस तरह से चार प्रकार के ब्रैकेट हो गए। आगे चलते हैं ओ से। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मीन्स का। अगर हम कोई भी वर्ड मास का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, अगर कहीं पर का लिखा हुआ है तो ब्रैकेट के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद, क्योंकि का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आगे भी हम जान लेते हैं डिवीजन, डिवीजन मतलब डिवाइड मतलब भाग। अब हम पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, उसके बाद अगर का है तो का को सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, डिवीजन के बाद हमको मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐड करते हैं, ऐड का चिन्ह होता है इस तरह से प्लस, और उसके बाद प्लस करने के बाद हम माइनस करते हैं सबसे बाद में। तो इस तरह से हमको सवाल सॉल्व करना होगा, पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और पहले उसी को हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। इस तरह से सवाल दिया गया है, पहले हम छोटा सा क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं इसमें ब्रैकेट है या नहीं, क्योंकि पहला रूल यही है कि पहले ब्रैकेट को तोड़ना, तो ब्रैकेट है नहीं इसमें। उसके बाद हम का को देख लेते हैं, का भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं डिवाइड का, डिवाइड है तो डिवाइड को देख लेते हैं, डिवाइड है इसमें या नहीं, तो हम देखते हैं डिवाइड है। तो हमको जो चिन्ह है उसके आगे का नंबर और उसके पीछे का नंबर लेना है, बाकी को केवल उतार देना है। इस तरह से जो भी होगा उसको केवल उतार देंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो वन है, वन से हम तीन को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा तीन। अब उसके बाद डिवाइड करने के बाद हमको करना होगा मल्टीप्लाई। अब हम देख लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई कहाँ है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर है। अब इसके आगे का नंबर और इसके पीछे का नंबर ले लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चार दिया बारह, बारह हो गया, बाकी जो नंबर बच रहे हैं उनको केवल उतार लेंगे इस तरह से। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐड करते हैं, ऐड देख लेते हैं। तो ऐड का सिंबल यहाँ पर है, तो इसके आगे का नंबर और इसके पीछे का नंबर ले लेंगे। तो बारह और तीन हो जाएगा पंद्रह। उसके बाद माइनस, तो माइनस लगाएंगे, दो है तो दो लिखेंगे। अब माइनस का सिंबल देख लेते हैं, माइनस का सिंबल है। अब इसके आगे का नंबर और इसके पीछे का नंबर ले लेंगे। अब हम इसको हम घटा लेंगे तो पंद्रह में से दो निकालेंगे, बचेगा तेरह। इस तरह से यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमको बस इसी रूल को फॉलो करना और सवाल को सॉल्व करना। अब थोड़ा उससे बड़ा ले लेते हैं जिसमें ब्रैकेट भी शामिल हो। तो पहले जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, पहले हम देखेंगे ब्रैकेट कौन कौन सा है इसमें। सबसे पहले हमको सॉल्व करना है बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट है नहीं, अगर होता तो पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते। चलिए बार ब्रैकेट नहीं है तो अब हम स्मॉल ब्रैकेट को खोजते हैं। स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर दिया हुआ है तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी नंबर को केवल हम उतारते चले जाएंगे। इस तरह से जहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट मिलेगा वहाँ रुक जाएंगे। अब हम यहाँ पर मिल गया है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 माइनस 2 है तो 12 में से 2 निकाल देंगे, तो 12 में से 2 निकालेंगे बचेगा 10। ब्रैकेट को हटा देंगे क्योंकि ये जब सॉल्व होगा तो यहाँ पर आएगा प्लस, और प्लस को जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाए, माइनस पहले से लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी माइनस लग जाएगा। इस तरह से माइनस 10 हो जाएगा। ये ब्रैकेट हट चुका है, अब हम लगाएंगे काली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट टूट चुका है अब, क्योंकि जैसे ही अंदर के सवाल सॉल्व होंगे तो तुरंत वो ब्रैकेट भी टूट जाएगा। तो ये हो गया। अब हम कर्ली ब्रैकेट को तोड़ेंगे, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट के बाद बारी आती है कर्ली ब्रैकेट की, तो हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कर्ली ब्रैकेट जहाँ मिलेगा वहीं रुक जाएंगे। कर्ली ब्रैकेट मिल चुका है, अब हम कर्ली ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, या फिर एक काम करते हैं ऐसे भी करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ है 16 माइनस 10, अब 16 में से 10 निकालेंगे, तो 16 में से 10 निकालेंगे तो बचेगा 6। 16 बड़ा है इसीलिए ये जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। इसे और जब प्लस होता है तो प्लस को लगाना ना लगाना बराबर होता है, क्योंकि प्लस को लगाते नहीं हैं। तो इस तरह से यहाँ 6 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 19 माइनस ब्रैकेट 4 प्लस।
अब देख लेते हैं यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे इसको, तो प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ भी, दोनों मिल करके प्लस ही रह जाएंगे और ये हो जाएगा 6, और इस तरह से ये ब्रैकेट भी गायब हो चुका है। अब अगला हम देख लेते हैं, अगला प्रोसेस है कि रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को तोड़ना है। अब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे, तो 4 और 4 + 6 है, तो 4 + 6 करेंगे तो हो जाएगा 10, और इस तरह से ब्रैकेट लग जाएगा और प्लस में ही, तो इसलिए आंसर भी प्लस में ही आ रहा है। अब माइनस माइनस और माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, जब बाहर निकलेगा तो ये प्लस और माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा 10। अब हम घटा लेंगे, 19 में से 10 निकालेंगे, बचेगा 9, और इस तरह से यही आंसर हो जाएगा। अब ये तो इस तरह का सवाल हो गया, लेकिन अगर सवाल को बटे में दे दिया जाए तो हम सवाल कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देख लेते हैं। एक देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 24/5 फिर डिवीजन 3/1 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। अब हम इसी सवाल को पहले सॉल्व करेंगे, तो शुरू करते हैं, पहले देखते हैं ब्रैकेट है या नहीं, तो देखते हैं ब्रैकेट कोई भी नहीं है, तो अब हम यहाँ पर खोजेंगे डिवाइड, डिवाइड है या नहीं है, तो डिवाइड है यहाँ पर, तो हम डिवाइड को ही पहले सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड के आगे का नंबर, डिवाइड के पीछे का नंबर ले लेंगे, तो इतना ये नंबर मिल जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, जब डिवाइड होता है, डिवाइड का मैंने एक वीडियो बनाया भी है, उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप यहीं से समझ लीजिए। जब डिवाइड होता है तो यहाँ इसके हर से इसके अंश में गुणा होता है, तो 24 और इसके हर से इसके अंश में होता है, हमेशा राइट हैंड से स्टार्टिंग करते हैं, इसका इसमें होगा तो ये बनेगा अंश, और इसके हर से इसके अंश में करेंगे तो ये बनेगा हर, इसका अंश बनता है और इसका हर बनता है, तो 5 × 3 = 15 इस तरह से हो गया। प्लस है तो अब हम बाकी की जो जितने भी बच रहे हैं उसको केवल हम उतारते चले जाएँगे, तो इस तरह से हो जाएगा 3/10 माइनस 1/5। अब सॉल्व करते हैं आगे, डिवीजन खत्म हो चुका है, अब हम खोजते हैं मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, तो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है। अब इसके आगे का नंबर और इसके पीछे का नंबर ये दोनों ले लेंगे, और बाकी को जो भी है उसको हम केवल उतार लेंगे, इस तरह से होता चुका है। अब जब बीच में मल्टीप्लाई होता है तो इसका हम सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा 4 × 4 = 12 और 5 × 50, इस तरह से 12/50 हो जाएगा, और माइनस 1/5 जो बचा हुआ इसको हम उतार लेंगे इस तरह से। और जब इस तरह सवाल हो जाता है तो ये इसको हम क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, इसको भी सॉल्व करना मैंने बताया है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। तो इसको इसका हर सबका अलग अलग है, इसलिए इसको या तो बराबर कर दीजिए या तो सबका एलसीएम लेकर के सवाल सॉल्व करें। तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 15, 50 और 5 का एलसीएम निकालते हैं पहले, तो 5 × 3 = 15, 5 × 50, 5 × 1 = 5, फिर 3 × 3 = 10, 1 और बुरा करेंगे 5 × 3 = 15, 15 × 50, तो इस तरह से इसका एलसीएम आ जाएगा 50। एलसीएम को आप विस्तार से वीडियो देख सकते हैं, मैंने एलसीएम का वीडियो बनाया हुआ है। अब 15 से इसको डिवाइड करेंगे, हमेशा हर से इसको डिवाइड किया जाता है, तो 15 कितनी बार जाएगा, सॉरी गलत है कहीं, 5 × 3 = 15, 15 × 150 होगा, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 10 बार। अब जितना डिवाइड करने पर क्यूटेंट आता है यानी भागफल, उसका हम गुणा इसके अंश में करते हैं, तो 24 × 10 में गुणा करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 240। अब उसके बाद प्लस लगाएंगे, अब 50 से इसको फिर डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 बार, 50 से 150 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। अब उस 3 का गुणा हम 12 से करेंगे, हर से डिवाइड कीजिए जितना आए उसको हम अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया 3, 3 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 × 3 = 36। अब उसका माइनस है तो लगाएंगे माइनस, अब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 30। अब 30 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हो जाएगा 30 × 30। अब हम प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे देख लेंगे अपने हिसाब से, जिसका संख्या जिसका नंबर होगा उसी को हम वैसे करेंगे। जैसे यहाँ प्लस है, प्लस का प्लस वाली संख्याएँ 2 हैं, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, जब कुछ नहीं लगा होता तो हम प्लस ही मानते हैं, तो इसको और इसको जोड़ लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 0 और 6 = 6 हो जाएगा, 4 × 3 = 7 हो जाएगा, और ये 276 माइनस 30 माइनस बचा हुआ है तो इसको उतार लेंगे इस तरह से, तो इस तरह से हो जाएगा -30/150। अब हम घटा लेंगे, 6 से 0 निकालेंगे बचेगा 6, 7 से 3 निकालेंगे तो बचेगा 4, और यहाँ बचा है 2, 246/150। अब इसका लोवेस्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, जिससे चाहें उससे निकाल सकते हैं। अगर हम 3 से निकालते हैं तो 3 × 5 = 15 और इस तरह से हो जाएगा 0, 3 × 8 = 24 और 3 × 2 = 6। आगे भी कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये करेंगे तो 41 हो जाएगा, इस तरह से आंसर हो जाएगा 41/25।
इसको जानने के लिए आपको फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड आना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। बाकी तो वार्ड मास के रोल के हिसाब से सवाल लगा ही सकते हैं। अगर नहीं आता है तो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन ऐड और सब्ट्रैक्शन मैंने वीडियो बनाया है उसका आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।